इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान में कल 15 मंत्री शपथ लेंगे। कल 11 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों की शपथ होगी। सचिन पायलट गुट के 6 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है। ज्यादा जानकारी लेंगे, मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, बताया ये जा रहा था कि सिर्फ 3 रेजिग्नेशंस जो पहले सौंपे गए थे उन्हें माना जाएगा और उसके अलावा जो बाकी पूरा मंत्रिमंडल है वो अमूमन वैसा ही रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल लग रहा है कि कुछ नए अपडेट सामने आए हैं। नहीं देखिए, बिल्कुल पहले 9 और 3 ने इस्तीफा दिया था। 12 का आंकड़ा था, मंत्रिमंडल में 12 को तरजीह देनी थी, जिसमें से 11 कैबिनेट मंत्री और 4 जो राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनको प्रमोट किया गया है, जिसमें से टीकाराम जुली एक ऐसा नाम है जो कि अलवर से आते हैं, श्रम राज्य मंत्री है और उनको प्रमोट करके कैबिनेट में रखा गया है। खास बात यह है कि पायलट कैंप से लगभग 6 लोगों का नाम है, जिसमें सबसे पहला नाम है हेमाराम चौधरी और विश्वेंद्र सिंह। विश्वेंद्र सिंह पहले पर्यटन मंत्री थे, पायलट साथ थे, बाकायदा इनको बर्खास्त किया गया था जब बगावत किया गया था और एक बार फिर से इनको मंत्रिमंडल में जगह दी है। रमेश मीणा और साथ ही साथ शकुंतला रावत बानसूर से आती हैं, गुजर कम्युनिटी से आती हैं और सचिन पायलट के साथ लगातार खड़ी रही और इनको कैबिनेट में जगह मिली है। ममता भूपेश को भी कैबिनेट में जगह मिल रही है। ममता भूपेश इससे पहले राज्य मंत्री थी और इनको प्रमोट करके कैबिनेट में लाया गया है। राज्य मंत्री में मुरारी लाल मीणा, ये भी एक ऐसा नाम है जो कि सचिन पायलट के गुट से आते हैं, और राजेंद्र गुढ़ा जो कि बसपा से कांग्रेस में समर्थित विधायक हैं, दूसरे बार के विधायक हैं, इसलिए इनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है। जाहिदा जो कि अलवर से आती है, ये भी हालांकि पहले पायलट कैंप में थी लेकिन उसके बाद अशोक गहलोत गुट में शामिल हो गई। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 6 ऐसे नाम हैं जो कि सचिन पायलट के कैंप से आते हैं, जो कि कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री में जिनको मौका मिल रहा है और इन लोगों का अब कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। मनीष, ये बता पाएंगे जो 15 नाम जारी हुआ है लिस्ट, इसमें से पुराने नाम कैबिनेट वाले कितने हैं, नए चेहरे कौन कौन से हैं, कोई ऐसा नाम जिसकी उम्मीद थी पर वो लिस्ट में नहीं है? देखिए, नए में हेमाराम चौधरी जो कि नए हैं, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, ये अशोक गहलोत के बहुत खासम खास माने जाते हैं, उदयपुर आदिवासी अंचल से आते हैं। इससे पहले भी जब गहलोत सरकार थी तब उसमें वो मंत्री थे, हालांकि इस बार इनको जगह नहीं मिली थी। ये नया नाम है महेश जोशी जो कि इस समय मुख्य सचेतक के तौर पर हैं विधानसभा में और अशोक गहलोत के खास माने जाते हैं, इससे पहले सांसद भी रहे हैं कांग्रेस से, ये इनका नाम है। तो ऐसे कई नाम है इसमें जो कि खास तौर पे नया चेहरा है जो प्रमोट किया गया, उसमें टीकाराम जूली और ममता भूपेश, ये दो ऐसे नाम है जिनको प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। पायलट कैंप के 6 नाम ऐसे बताए जा रहे हैं जो मंत्रिमंडल में जगह पा रहे हैं और कल मंत्रिमंडल विस्तार होना है, शपथ ग्रहण होगा। लगातार अपडेट्स मनीष आपसे लेते रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।